तो दोस्तों बहुत समय के बाद रेडमी ने लॉन्च कर दिया चाइना में अपना फोन रेडमी रेडमी 7 फोन। तो दोस्तों इस फोन यह फोन इंडिया में कब तक लॉन्च होगा और इसका प्राइस कितना होगा और इस यह फोन में क्या कुछ है, बने रहे इस वीडियो में। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम आदित्य और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन है आपको मिल गए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फोन को डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में 6.2 इंच का HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है और साथ में वाटर ड्रॉप नॉच भी मिल जाता है विथ गोरिल्ला प्रोटेक्शन। अगर आपके हाथ से फोन छूट जाता है तो कुछ होता है होगा नहीं फोन को। तो दोस्तों अब इस फोन का प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों इस फोन में स्नैपड्रैगन का 632 का प्रोसेसर दिया गया है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि बहुत पावरफुल प्रोसेसर है, बहुत बढ़िया प्रोसेसर दिया है रेडमी ने। अब दोस्तों यह फोन इंडिया में 3 वायलेंट में आएगा। पहला है 2 GB रैम और 60 GB मेमोरी और दूसरा है 3 GB रैम और 32 GB मेमोरी और तीसरा है हाईएस्ट जो कि सबसे बड़ा है 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी। दोस्तों इस फोन का कैमरा की बात करें तो इस फोन में बैक साइड में 2 कैमरा दिया गया है जो कि पहला है 12 MP का और दूसरा है डीप सेंसिंग कैमरा 2 MP का है। और दोस्तों इस फोन का फ्रंट साइड कैमरा की बात करें तो इस फोन 8 MP का कैमरा दिया गया है। और दोस्तों इस फोन के बैटरी की बात करें तो इस फोन में बैटरी बहुत ज्यादा पावरफुल दिया गया है। तो दोस्तों इस फोन में 4000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 10W चार्जिंग सपोर्ट करेगी। और दोस्तों इस फोन में बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। और दोस्तों इस फोन के डिजाइन की बात करें तो यह फोन ग्रेनियन कलर में आएगा और दोस्तों यह फोन कई ठो कलर मिक्स होकर आएगा इसीलिए यह फोन बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो दोस्तों यह Redmi 7 में आईआर ब्लास्टर का भी सपोर्ट मिलने वाला है जो कि बहुत बढ़िया बात है। और दोस्तों इस फोन में एक और अच्छी चीज है जो कि सब कोई चाहता है हर फोन में मिलने के लिए। तो दोस्तों यह अच्छी चीज है ट्रिपल स्लॉट, 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं और 1 मेमोरी लगा सकते हैं। तो और लास्ट नंबर बात करते हैं Redmi 7 का प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों 2 GB रैम और 16 GB मेमोरी का प्राइसिंग है 7000 से 200 रुपये इधर भी हो सकते हैं। 3 GB रैम और 32 GB मेमोरी जो कि 8000 रुपये के आसपास मिलेंगे। और दोस्तों 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी 10000 रुपये का मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा Redmi 7 ने रख दिया है। दोस्तों अब यह बात आती है कि Redmi 7 इंडिया में कब लॉन्च होगा। तो दोस्तों यह 2 से 3 महीने में इंडिया में लॉन्च होगा, यह भी मुझको मालूम नहीं है लेकिन अंदाज से बोल रहा हूँ, जो मुझको मालूम होगा तो इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा मैं। 2 से 3 महीने लग सकते हैं इंडिया में आने में। तो दोस्तों यही थी इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपके वीडियो पसंद आया एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।